दो तीन अहम मुद्दों को लेकर के आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले कुछ हमारे साथी हैं जो पुराने हमारे संघर्ष के साथी भी रहे, कुछ उनमें से कांग्रेस में थे, कुछ नए साथी जुड़ रहे हैं आज। सबसे पहले हमारे साथी परमेंद्र तूर जी हैं जो ऑल इंडिया राजीव गांधी एसोसिएशन उसके कर्ता धर्ता थे, आज वो टोहाना से हैं और प्रभाव उनका हरियाणा से लेकर के चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड लंबा उन्होंने काम किया है, सेवा करी है लंबे समय से, तो वो आज तृणमूल कांग्रेस में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। उनके चाचा जी जिन्होंने अभी अपनी बात भी रखी, NRI हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं, वो भी हम लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए और इस मुल्क में जो आज लड़ाई है, किसान, गरीब, मजदूर, साधारण जन, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जो एक जज्बा लेकर के वो समर्थन करने के लिए आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। गुरमीत सिंह जी गिल साहब और दूसरे साथी हमारे दाता सिंह वाला से भी हैं, भाई मनीष खन्ना जी वो भी यहाँ पर बैठे हैं, समाज सेवी भी हैं और अच्छा उनका योगदान है पंजाब की राजनीति में। हमारे रिटायर्ड SHO हैं कालका से, लंबी सेवा इस पंचकुला जिले में उन्होंने दी, जसविंदर सिंह जी वो भी आज शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर हुसैन जी यमुनानगर से हैं और इनके अलावा उनके सैकड़ों साथी आज तृणमूल परिवार से जुड़ करके ममता दीदी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं उन सभी साथियों का तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने पर बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। किस तरीके से अपनी कमियों को छुपाने के लिए कैसे कैसे जो राजनीतिक स्टंट वो खेले जाते हैं, हम भी लंबे समय से देश की राजनीति में रहे, SPG प्रोटेक्टिव के साथ हमने भी बहुत ट्रेवल किया, उनके प्रोग्राम भी आयोजित किए और जो पीछे का मामला हमने देखा कि 122 किलोमीटर की दूरी के बावजूद भी ये फैसला हुआ कि इतना ट्रेवल, कभी मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को इतना लंबा ट्रेवल कराया जाता है भाई रोड, और वो भी जब जब सारे पुख्ता इंतजाम पहले देख लिए हों, 6-6 हेलीकॉप्टर खड़े हों और बॉर्डर का इलाका हो, तो किसका फेलियर है ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आज हियरिंग थी, वो भी फैसला करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि या तो जानबूझ करके कुछ प्लानिंग के तहत ये पूरा षड्यंत्र रचा गया ताकि उसका राजनीतिक लाभ ले सके, या फिर किस तरह के लैप्सेस हैं, MHA के लैप्सेस हैं, ये SPG के लैप्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, किसके हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस मुद्दे को ज़्यादा तूल ना दिया जाए और ये हवन और तमाम तरह की बातें कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश, ये सब मैं समझता हूँ कि बेबुनियादी बातें हैं, इतना ना तो किसी के अंदर हिम्मत है और ना कोई इस तरह का कोई वो कर सकता है।